हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निकॉन डी 3500 कैमरे की ब्लूटूथ सेटिंग्स के बारे में। ये जो डी 3500 कैमरा है, इसमें अक्सर लोगों को क्या परेशानी आती है कि जब वो अपने मोबाइल से स्नैपब्रिज एप्लीकेशन को कनेक्ट करते हैं तो उनसे वो प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाता और बार बार दिक्कत आती है, वह डिसकनेक्ट हो जाता है या फिर उनसे जो फोटोज है वह इस मोबाइल में नहीं आ पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आप इस डी 3500 कैमरे को किस तरीके से अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर इसकी जो प्रॉब्लम है उसको आप किस तरीके से दूर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटे आइकन को भी ज़रूर दबा लें, जिससे मेरी आने वाली कैमरा सेटिंग्स की वीडियो आपके मोबाइल तक पहुँचती रहेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने डी 3500 कैमरे को अपने मोबाइल से कनेक्ट करते हैं और इसकी जो फ़ोटोज़ है उसको हम मोबाइल में किस तरीके से लेते हैं। आपको अपने कैमरे को पहले यहाँ से ऑन कर लेना है। जैसे आप ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक पॉपअप दिखाई देगा। वो पॉपअप इस लेंस का आता है कि इसमें जो 1835 लेंस आता है इसमें यहाँ पर लॉक सिस्टम आता है, इसकी वजह से वो पॉपअप आता है। तो अभी वो पॉपअप यहाँ से हट गया है, आप देख लीजिए। इसके बाद में आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है कि अपने मोबाइल में स्नैपब्रिज एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है तो मैं यहाँ पर इसे डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ। आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। और इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस आपको क्या करना है, अपने कैमरे की मेनू वाली सेटिंग्स में जाना है। मेनू वाली सेटिंग्स में जाने के बाद में दोस्तों, आपको यहाँ पर ये जो सेटिंग्स का आइकन अभी बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखिए सेटिंग्स का आइकन ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको आना है और यहाँ पर देखिए ब्लूटूथ का ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखिए ब्लूटूथ वाला ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसको इनेबल कर लेना है। सबसे पहले प्रोसेस आपको ये करना है और इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस आपको क्या करना है, नीचे पेयर्ड डिवाइस का ऑप्शन दिया हुआ है तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए एंड्रॉयड रेडमी 6 लिखा हुआ है। तो ये क्या है कि जो पहले इसमें कनेक्ट की गई थी डिवाइस, जो भी मोबाइल था, तो उसका यहाँ पर दिखा रहा है। तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ओके प्रेस करेंगे तो वो हट जाएगा। ऐसे हम दूसरे को भी यहाँ पर अनपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से हट गया है और वापस से हम ब्लूटूथ को यहाँ पर इनेबल कर लेते हैं इस तरीके से। तो क्या होगा कि इसमें जो पहले से डिवाइस कनेक्ट थी वो डिसकनेक्ट हो जाएगी और हमारी जो न्यू डिवाइस है हम उसको कनेक्ट करने वाले हैं। तो आप इसे हम बैक जाएंगे मेनू बटन प्रेस करके और इसके बाद में यहाँ पर देखिए सेंड टू स्मार्ट डिवाइस का ऑप्शन दिया हुआ है तो इसे हम ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद में कनेक्ट टू स्मार्ट डिवाइस पर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद में हमारा जो मोबाइल है उसको हम लेंगे और यहाँ पर कनेक्ट टू कैमरा पर हम क्लिक करेंगे। कनेक्ट टू कैमरा पर क्लिक करने के बाद में अलाउ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप अलाउ पर क्लिक करेंगे आपका जो ब्लूटूथ है यहाँ पर इनेबल हो जाएगा और आप यहाँ पर देखिए डी 3500 भी लिखा हुआ आ गया है तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो रिडायरेक्ट हो जाएगा अपने कैमरे से और यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन भी आ गया है। ये देखिए यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है चेक मार्क पर और पेयर पर आपको क्लिक करना है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ओके प्रेस करना है। जैसे आप ओके प्रेस करेंगे और ओके प्रेस करने के बाद में फिर से आपको ओके प्रेस करना है और इसके बाद में यस कर देना है। ये देखिए जैसे मैं यस करता हूँ तो ये डन लिखा हुआ आ गया है यहाँ पे। और इसके बाद में आप अगर मोबाइल को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पेयरिंग कंप्लीट यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है तो हमें ओके पर प्रेस कर लेना है। और इसके बाद में ये जो अपना DSLR है ये अपने मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है और डाउनलोड पिक्चर्स का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए कैमरे की जितनी भी फ़ोटोज़ है यहाँ पर आ चुकी है, ये देखिए, और हमारा जो मोबाइल है डी 3500 कैमरे से कनेक्ट हो गया है। अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है तो आपको बैक आ जाना है और बैक आने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए ये सेटिंग्स का ऑप्शन दिया हुआ है, इस सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद में यहाँ पर देखिए फॉरगेट कैमरा लिखा हुआ आ गया है तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये जो डी 3500 कैमरा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको यस करना है कि जो पहले का डी 3500 कैमरा, मतलब
जिस फ़ोन में हमने कनेक्ट किया था तो उससे पेयर हो रहता है, तो इस वजह से वो यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो पाता, तो इसको हम अनपेयर करेंगे। तो यस कर देंगे और यस करने के बाद में रिडायरेक्ट होकर आपको कनेक्ट टू कैमरा पर क्लिक कर लेना है और देन आपको DSLR पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो वापस से सर्चिंग में आ जाएगा जो हमारा निकोन का D3500 कैमरा है, तो इससे कनेक्ट होने के लिए रेडी हो जाएगा। अपने स्मार्टफोन को आप कैमरे से कनेक्ट कर सकते हैं और कैमरे की जितनी भी फ़ोटोज़ है वो आप अपने स्मार्टफोन में ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी और आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके पास में कोई डाउट्स हैं या फिर कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैं इस तरीके की फ़ोटोग्राफी संबंधी जानकारी और जो कैमरे की सेटिंग संबंधी जानकारी होती है मैं अपने इस चैनल पर देता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।